हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी सीरीज लाया हूँ जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर सभी शूटर्स जो टेक्निकली अपना शूटिंग स्किल लेवल बढ़ाना चाहता है, उन सभी के लिए। यह है एक रेंज फाइंडर, ये आप देख सकते हैं। इसे मुझे MBM ने भेजा गया है, एयर आर्म्स स्टोर इंडिया, रिव्यू के लिए भेजा गया है। इसे किस तरह बाय कर सकते हैं आप और इसका प्राइस क्या है, मैं अंत पे बताऊंगा। वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों। आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका स्पेसिफिकेशन जानेंगे, इसका लुक्स देखेंगे और एग्जैक्टली इसे किस तरह यूज़ किया जाता है उसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्द बनाऊंगा। उसमें मैं आप सभी को सिखाऊंगा किस तरह इसे यूज़ करते हैं। आज हम इसका लुक्स देखेंगे, इसका स्पेसिफिकेशन जानेंगे। चलिए दोस्तों, इसे हम अनबॉक्सिंग करेंगे। मैं अभी यही बैठ के अनबॉक्सिंग करूँगा, देख लेना आप सब। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सेंटवे का एक प्रोडक्ट है, सेंटवे का रेंज फाइंडर है। चाइना में बनता है, ये चाइनीज कंपनी है। अभी हम इसे अनबॉक्सिंग करेंगे। ये कल ही इसे मुझे भेजा गया है, मैंने भी देखा नहीं है अब तक खोल के। इसका जो आउटर लेयर था ना, मैंने उसे कट के निकल दिया, लेकिन जो अंदर है सामान उसे मैं देखा नहीं है। देखिए दोस्तों, इस तरह एक पोंच का साथ में आता है, ये आप देख सकते हैं। एक बैग कैरी करने के लिए, आपको रखने के लिए इसे, और इसका अंदर क्या क्या चीज़ें, एक मैनुअल बुक। देखिए इसमें लिखा हुआ है 3 to 1000, यानी कि 3 to 1000 m लिखा हुआ है, यानी कि 3 मीटर से लेकर 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर तक आप इससे मेजर कर सकते हैं, स्कैन कर सकता है। और ये देखिए इसमें भी लिखा हुआ है, ये हम बाद में देखेंगे। चलिए पहले अपना जो रेंज फाइंडर है ना, वो देखते हैं। ये दोस्तों देखिए, इस तरह कुछ इस तरह है। इसमें एक रस्सी दिया हुआ है, देखिए आप इसे आप रेंज फाइंडर में फिक्स करके आपको कैरी करने में मदद मिलेगा इससे। ये एक केबल, आप चार्जर में कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं इसे। ये देखिए दोस्तों, ये रहा अपना रेंज फाइंडर, ये आप देख सकते हैं। 3 to 600 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है 3 to 1000, देखिए इसमें, यानी कि 3 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक, लेकिन इसमें लिखा हुआ है 3 to 600, यानी कि 3 मीटर से लेकर 600 मीटर्स तक आप स्कैन कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। वाह दोस्तों, देखिए बहुत ही खूबसूरत है ये, आप देखिए, कम्पैक्ट, लाइट वेट और बहुत ही खूबसूरत एक ये रेंज फाइंडर है। जो मेरा पर्सनल यूज़ है ना, ये आप देख सकते हैं, ये डिस्कवरी का है। ये इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, ऑलमोस्ट सेम है दोनों का। देखिए ये डिस्कवरी का है और ये सेंटवे का है, मैंने अब तक देखा नहीं है। चलिए हम देखते हैं ये मीटर में आपको रीडिंग देता है या फिर यार्ड्स में। हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये मीटर में आपको मेजरमेंट करके दिखाएगा, जो डिस्टेंस है उससे इसका जो रीडिंग है मीटर में, मीटर्स में बताएगा आपको, यार्ड्स में नहीं बताएगा। दोस्तों ये इसका आईपीस है, जिस तरह स्कोप में भी होता है, डायोप्टर भी बोला जाता है। इससे आपको क्लियरिटी, जो फोकस है ना, वो एडजस्टमेंट करना है आपको इससे। और इससे आपको जब आप यहाँ जा के देखता है, तब ब्लर सा आपको लगेगा, तो आपको इसे घुमा के, इस तरह घुमा के आपको इसका क्लियरिटी एडजस्ट करना है, फोकस एडजस्ट करना है। और आप इसमें दो बटन है, देखिए इसमें एक दो मोड बटन, और ये इसमें एक स्विच है, आपको यहाँ क्लिक करके स्कैन करना है इस तरह। दोस्तों इसका मैनुअल बुक ये है, इससे आप अच्छी तरह पढ़ लेना, इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें दिया हुआ है, किसे इसे चलाना है वो सब इसमें लिखा हुआ है, इसे आपको पढ़ लेना पहले। देखिए दोस्तों, इसमें ये आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है 700 mAh, यानी कि इस रेंज फाइंडर का बैटरी है 700 mAh, और ये चार्जेबल है। जिस तरह आप मोबाइल फ़ोन चार्ज करते हैं, उसी तरह इसे चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं, रिचार्ज करके, ये रिचार्जेबल है। देखिए दोस्तों, ये इसका केबल है, आप इसे जो मोबाइल का जो एडाप्टर होता है ना, उसमें आप डाल के इसे रिचार्ज कर सकते हैं, जिस तरह हम मोबाइल फ़ोन को करते हैं उसी तरह। देखिए दोस्तों, ये वाला मेरा एक रेंज फाइंडर है डिस्कवरी का, ये नॉन रिचार्जेबल है, इसमें बैटरी होता है एक तरह का, अब वो ख़त्म होने के बाद आपको इसे रिप्लेस करना पड़ता है, लेकिन ये
बहुत अच्छा है, आपको ये इलेक्ट्रिक कारें या फिर पावर बैंक, आप पावर बैंक से भी इसे रिचार्ज कर सकते हैं। ये केबल पावर बैंक में डाल के आप इसे रिचार्ज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है, और आप इसे फुल चार्ज करने का वक्त आपको करीब ये 1-2 दिन तो आराम से निकल जाएगा आपका। और ये वाला इसका बैटरी बहुत लास्टिंग होता है, अगर आप यूज़ नहीं करेंगे या यूज़ करेंगे तो भी ये 4-5 महीना चल जाता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि आपको बैटरी रिप्लेस करना पड़ता है एक बार ख़त्म होने के बाद। दोस्तों अभी मैं इससे आप सभी को कुछ डिस्टेंस मेजर करके दिखाऊंगा। अभी हम यहीं पे मेज़र करूंगा, देखिए अलग अलग 2-3 अलग अलग डिस्टेंस मेजर करके दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये आप 3 देख सकते हैं, ये मेरा बगल में है, इसका डिस्टेंस हम मेजर करके देखेंगे। ये आप देख सकते हैं इसका डिस्टेंस 20 मीटर्स में है, ये इसका डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। चलिए दोस्तों हम और एक मेज़र कर लेते हैं। ये जो दिख रहा है ये एक घर है जो हम खेत में बनाते हैं, इसे हम मेज़र करके देखेंगे। देखिए ये करीब कितना मीटर्स में होगा। ये आप देख सकते हैं ये हमसे 85 मीटर्स दूरी पे है। देखिए आप देख सकते हैं किस तरह स्कैन कर रहा है, 85 मीटर्स आप देख सकते हैं। दोस्तों ये इस तरह मेजरमेंट आपको बताता है, काफी एक्यूरेट होता है इसका मेजरमेंट। आप शायद आप सबने देखा होगा, मैं बहुत सारा शूटिंग्स वीडियो बनाता हूँ और मैं अपने रेंज फाइंडर के थ्रू ही मेजरमेंट कर लेता हूँ। और इसे मेजरमेंट करने के बाद अपना डिस्टेंस, अपना टारगेट मेजरमेंट करने के बाद ही मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ अपने स्कोप। और मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया रेंज फाइंडर, कभी ऐसे ही नहीं, मुझे ऐसे ही नहीं लगा कि ये इसका जो रीडिंग है वो गलत है। मुझे जो गलत डिस्टेंस बताता है, गलत डिस्टेंस का रीडिंग बताता है, ऐसे कभी नहीं हुआ है। दोस्तों ये आप हमसे बिल्कुल बाय कर सकते हैं। अभी आप इसका प्राइस देख सकते हैं, इसका 16,000 रुपीज़ है, इसका 6% ऑफ है। तो आपको ये करीब MBM एयरआर्म इंडिया स्टोर में आपको ये 15,000 का मिलेगा। लेकिन अगर आप हमसे इसे बाय करेंगे तो आपको और 1,000 का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि आपको ये 14,000 रुपीज़ का पड़ेगा। आप जो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं इसे बाय करने के लिए। और अगर मेरा थ्रू अगर इसे आप बाय करेंगे जैसे मैंने बोला, इसको आपको ओनली 14,000 रुपीज़ पड़ेगा आपको। नहीं तो आप डायरेक्टली MBM से भी बाय कर सकते हैं, ARM इंडिया स्टोर, आपको वहाँ पे 15,000 का मिलेगा। मैं इसे किस तरह यूज़ किया जाता है और इसे यूज़ करके किस तरह आप अपना शूटिंग स्किल लेवल डेवलप कर सकते हैं उसके ऊपर बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा। अलग अलग डिस्टेंस में इसके मदद से आप किस तरह एक्यूरेटली टारगेट पे शॉट कर सकता है उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए बस उतना ही, मिलते हैं हम बहुत जल्द। तब तक के लिए इसी तरह बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसी तरह मुझे ढेर सारा प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।